बेटा। ये है हमारी मामी जी, आराम से। और कहाँ ले, कहाँ जा रही है मामी जी? अब आपके लिए चीज लेने? ये क्या गिर गया बहू आपका? हाँ वो अभी देखती हूँ। ये कुछ गिर गया। मंत्र में शर्मा ना लगते फिर बे सब्जेक्ट जाना युक्त शस्त्र जो जन ले लिया। चलो आप ना। कौन लाया विशु? कौन लाया? कौन लाया? क्या खोलूं? हमारे हैरी भी उठ गए और उठते ही सबसे पहले टॉफी चाहिए इनको। कह रहा इन दोनों को लड्डू खाना है। फाइनली बारात निकल चुकी है। इतना डांस करने के बाद ये लड़की देखो क्या खा रही है, चाउमीन जो कि हर रोज खाती होगी घर में। तो पहले
कोई नहीं दिखाएगा। आज बारातियों ने इतना पानी पिया है और एक बाराती अपनी दुल्हन को पानी पिलाते हुए। बच्चे को मैंने रेडी कर दिया है, नाइट सूट पहना दिया है। हैरी खुद जी चप्पल पहनो। हाँ हैरी आप भी करो, जाओ। नहीं ये नहीं करेगा जजे, बाकी सब करेंगे। हे गाइस, अभी रेडी हो चुका है, मतलब चेंज कर लिया और रात के 3 बज रहे हैं और दूल्हा दुल्हन स्टेज से उठ के खाना खाने चले गए, उनके फोटो शूट हो रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है? ये बच्चा बोल रहा है मुझे वीडियो में जरूर लेना। ले लिया, ठीक है। क्यूट है ना, बहुत क्यूट है, डांस भी बहुत प्यारा करता है। भाई हम शादी से विदा लेते हुए और हमारा गोलू भाई दो दो सूटकेस ले जाते हुए। भाई सुबह हो गई बारात से आते आते। यार आते आते मतलब सुबह हो गई, आप देखो। विशु नींद आ रही है, इसको सोते सोते उठा के ले आए। ऐसे करा था। सो गाइस हम बारात से निकले थे, मतलब दूल्हा दुल्हन वहीं थे, हम निकल आए थे सुबह 3 बजे और 3 बजे से अभी बज चुके हैं 9। दे बरेली को कर रहे हैं हम बाय बाय। बच्चों बाय बाय बरेली। हरी बाय बाय। सामान आया हमारा, पर्दों में से निकल के हमारा सामान आ गया। सो हम रेलवे स्टेशन है, कल जब हम बारात के लिए निकल रहे थे तो उस समय ना अश्मित जी टिकट करा रहे थे, मतलब गाड़ी बुक करा रहे थे। गाड़ी का प्राइस था 50 किलोमीटर का 5,000 रुपये। तो हमने सोचा चलो बस से ही चले जाते हैं, हम बस से गए। अश्विन जी ने बोला उधर से आने का ना हमारा जल्दी ही रहेगा तो हमें अपने आप ही आना पड़ेगा, पर हमारा लक अच्छा था कि हमारे साथ बस भी आ गई तो हम बस में ही आ गए एंड 3 बजे वहाँ से निकले थे। घर पे पहुँचे, थोड़ा सा आराम करा, पता चला कि ट्रेन हमारी है 8:45 की, हम निकलने ही वाले थे। फिर पता चला कि 1 घंटा लेट है तो हम 1 घंटा घर से लेट निकले। अभी क्या टाइम हो रहा है इसमें जी, तो अभी फिर से 2 घंटे लेट हो गई। तो भाई बहुत मतलब ना ये ससुराल की शादी में तो बहुत मज़ा आया और इस बार ना बच्चों को ना मतलब 6 साल बाद ना अपनी मतलब बुआ का प्यार मिला। भाई विशु तो पता बुआ के साथ सो के गए है ना, बुआ के साथ सोते सोते आए। और हैरी तो कैसे कर रहे थे, हैरी बुआ और भाई तीनों बच्चे, चारों बच्चे इतने अच्छे थे ना, बहुत मतलब जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। मज़ा आया। तो अभी ना मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और नींद पूरी नहीं हुई है कल से अभी तक, हम उठे हुए ही हैं। अब ये ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं एंड आगे का स्टार्ट करते हैं गढ़वाली न्यूतेर से। अभी मैं घर पहुँचने वाली हूँ, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। ट्रेन भी आ रही है। चक 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 चक। वो क्या क्या कर रहे हैं, चाय के लिए आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दो। बाय बाय करो। पापा जल्दी आ जाना। मुझे लिया गर्मा गर्म छोले भटूरे। कोई को छोले भटूरे खाने की हो रही है, हैरी कह रहा है पापा जी ठंडा पानी दे दो। हैरी ठंडा पानी ले लो, खोलो। हैरी ट्रेन कैसे जाती है बता दो। मैटो। लोगों के लिए छोले भटूरे लाए थे पर खाया नहीं इन्होंने, इनको चाहिए ये सब। देखो तेरे को क्या खाना है विशु, कौन सा ऊपर वाला। थैंक यू। देखो इस खाना मत खा लेना विशु, बस यही सब चीजें खाओ। अरे क्या चाहिए, चलो बेटा चलो, चलो बेटा चलो, अरे बेटा चलो 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 चलो।
मम्मा तोड़ दो, तोड़ दो। हाय बेटे, जिसका ताला है ना ये, वो इतना मारेगा ना आपको। हट जाओ।